कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। भारत और नेपाल को भिड़ाने की कोशिश करता था चीन, या फिर खुद भिड़ जाता था। पर अब ऐसा हो गया है कि नेपाल में यूएसए और चीन आपस में भिड़ रहे हैं, वो भी 500 मिलियन डॉलर दाव पर लगा है। तो सबसे बड़ी खबर, भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि सबकी हालत खराब हो गई है, और अफगानिस्तान के जो भावी राष्ट्रपति है उनके साथ तो बड़ा वाला खेला हो गया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। चीन ने नेपाल में ढेर सारा पैसा लगाकर फंसाने की कोशिश की, ठीक नेपाल को वैसे ही जैसे श्रीलंका को फंसा लिया, पाकिस्तान को फंसा लिया। पर समय रहते ओली की गोली खत्म हो गई और सत्ता से उतरना पड़ा, और वहाँ अब चढ़ के बैठे हुए हैं देउबा। शेर बहादुर देउबा अपनी नीतियों के लिए बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जाने जाते हैं। देउबा ने आते ही पहले तो कमेटी बना दी कि चीन के साथ जो सीमा विवाद है उसको हमें हल करना है, उसको निकालो, जिस पर ओली बहुत बौखलाए और इस समिति बनने के खिलाफ भी आए कि ऐसा क्यों किया। प्रचंड से भी खफा हो गए, देउबा से भी खफा हो गए। लेकिन अब चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने बड़ा दाव खेला। यहाँ पे अमेरिका ने MCC प्रोजेक्ट की घोषणा की, और इस MCC प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल बेहद खुश है। ऐसा इसलिए क्योंकि 500 मिलियन डॉलर की मदद देगा अमेरिका और 130 मिलियन डॉलर लगाएगा नेपाल, और इन दोनों की मदद से नेपाल एक पावर ट्रांसमिशन लाइन और 300 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करेगा। एमसीसी का लक्ष्य क्या है ये तो समझ में आ रहा है, अमेरिका क्या करना चाहता है यहाँ ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अब चीन ने अपने हो यानकी को लगा दिया है इस प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए, और इस प्रोजेक्ट का विरोध कौन कर रहे हैं, तो वही ओली के ग्रुप और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। अब ये उतर आए हैं कि नहीं नहीं हमें इस समझौते पे नहीं चलना है। लेकिन अब नेपाल की जनता को सोचना चाहिए कि चीन से पैसे ले तो सही, लेकिन अमेरिका से पैसे ले तो गलत। ऐसा क्यों, जबकि चीन की कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट नहीं है। श्रीलंका में उसने कब्जा किया, अपना एक अलग क्षेत्र बना लिया जहाँ चीन का वीजा चलेगा, चीन की करेंसी चलेगी। अब वैसा ही पाकिस्तान के ग्वादर के लिए कर रहा है, जबकि अब तक अमेरिका ने MCC प्रोजेक्ट के तहत जहां भी पैसे लगाए हैं वहां ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि अमेरिका ने कुछ कब्जा कर लिया है। तो फिर ऐसे में इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है? साफ सी बात है, नेपाल है वो पॉइंट जहां से इस एशिया में काफी कुछ ट्रिगर होगा। यही वजह है कि चीन और अमेरिका दोनों इस क्षेत्र में आपस में भिड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब वही हो रहा है अफगानिस्तान में जिसका अंदेशा था, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तालिबान सत्ता पे चढ़ पाएगा और चढ़कर रह पाएगा ये बहुत दूर की कौड़ी है। पाकिस्तान जो ये सोच रहा था और ख्वाब पाल रहा था कि हम तालिबान को कहेंगे उठ तो उठेगा और बैठ तो बैठेगा, ले ऐसी बात है नहीं। पाकिस्तान ने थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा कि यहाँ पर हक्कानी नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा पद दिला देते हैं तो फिर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मामला यहाँ भी गच्चा खा गया। अब हो क्या रहा है आप देखेंगे। पहली बार ये बोला गया कि अमेरिकी सैनिक सारे निकल जाएंगे तब हम सरकार गठन का ऐलान करेंगे, वो अमेरिकी सैनिक निकल भी गए। फिर ये कहा गया कि पंसीर में लड़ाई चल रही है, एक बार वो लड़ाई खत्म हो जाएगी तब हम ऐलान करेंगे। अब वो लड़ाई भी अभी चलती रही है। अब यहाँ तक कि पाकिस्तान का चीफ भी पहुँच गया जिसके बाद भी गठन नहीं हुआ। उल्टा ये हो गया है कि दोनों गुटों के बीच में पुरजोर लड़ाई हुई है, और ये लड़ाई बातों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जैसे वो लोग हैं वैसी है। यहाँ तक कि कहा तो ये भी जा रहा है कि बंदूकें तानातानी भी हो गई है, जिसमें मुल्ला बिरादर जो कि राष्ट्रपति बनने वाला है वो निशाने पे आ गया है और अभी पाकिस्तान के अस्पताल में इलाज करा रहा है। ये रिपोर्ट तो कुछ ऐसा ही कह रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट जिसमें इस बात को कहा जा रहा है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ गुट आपस में ही लड़ेंगे किसी तरीके से। अगर पाकिस्तान ने यहाँ सरकार बनाने की घोषणा भी कर दी तो ये चलने वाला है नहीं। बहुत जल्द आप देखेंगे यहाँ पर एक अस्थिरता का माहौल है। खैर ये बहुत बड़ी खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए, और खास करके चीन के लिए और रूस के लिए। रूस
रूस के लिए हंसी इसलिए आ रही है कि रूस जैसे देश से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इतनी कम दूर का सोचेगा। जिस सरकार से आप हाथ मिलाने जा रहे हो वो सरकार आपस में ही लड़ भिड़ रही है और लड़ने का तरीका अपना कबीला वाला है। ऐसे में इनसे क्या राजनीति करोगे और क्या कूटनीति करोगे। वहीं चीन की बात करें तो चीन वहां खजाना निकालने जाना चाहता है, लेकिन जिनपिंग को खजाने के बारे में सोचने से पहले एक बार इनका रवैया जरूर देख लेना चाहिए, जो बिल्कुल आदि मानव काल की तरह बिहेव कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चौबे गए थे छब्बे बनने और दुबे बनकर लौटे। अब जिस तरह की सिचुएशन भारत के सामने पैदा हो रही है, भारत धनाधन ऐसे हथियारों पर दाव लगा रहा है जो भारत को मजबूत कर दे, जैसे कि स्वार्म ड्रोन के बड़ी खेप का ऑर्डर दे रहा है, इजराइल के सुसाइड ड्रोन की भी बड़ी खेप में ऑर्डर दे रहा है। पर इन सब के बाद अब 96,000 करोड़ रुपए भारत ने अपने खास हथियार के लिए दिए हैं, जिससे सबकी हालत खराब जरूर हो गई है जो भारत के पड़ोसी हैं, क्योंकि ये ताकतवर हथियार भारत को बहुत मजबूत करने वाला है, खास करके हिंद महासागर क्षेत्र में। ऐसे समय में जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डाउन है, भारत 96,000 करोड़ रुपए लगा रहा है इस हथियार में, तो इस हथियार की कुछ न कुछ खासियत तो जरूर है। दरअसल काफी लंबे समय से भारत का एक प्रोजेक्ट था जो लटक रहा था और इस प्रोजेक्ट पर भारत पैसे नहीं लगा पा रहा था, लेकिन अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस बड़े प्रोजेक्ट को न सिर्फ हरी झंडी दिखा दी है बल्कि इसे 96,000 करोड़ रुपए भी दे दिए हैं। और ये प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 75, जिसके तहत 6 न्यूक्लियर सबमरीन बनने थे। अब इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि एक तो ये 6 सबमरीन काफी बड़ी साइज की होंगी और ये अटैक सबमरीन होंगी, हमलावर सबमरीन होंगी, यानी हमला करेंगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर जो मिसाइल लग रही है वो मिसाइल भारत के दो पड़ोसियों की हालत खराब कर रही है। भारत दरअसल इसमें ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लगाएगा, जो कि सबमरीन लॉन्च्ड वर्जन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर में बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाएगा चीन का। एक तो ये न्यूक्लियर सबमरीन होंगी जो कि दुश्मन को पता नहीं बताएंगी अपना और घात लगाकर वार करेंगी। ऊपर से इसमें ब्रह्मोस 2 का इस्तेमाल इसे और भी घातक बनाएगा। न्यूक्लियर सबमरीन होने की वजह से ये काफी समय तक पानी के अंदर भी रहेंगी, जिसकी वजह से इनके पास काफी वक्त होगा घात लगाने का, जबकि डीजल सबमरीन को आना ही पड़ता है ऊपर, तो उसकी तुलना में ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए इतने सारे पैसे देकर सही किए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।